बिहार के उप मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी राजद को बड़ी राहत मिली है। तेजस्वी यादव को कई साल पुराने मामले में जमानत मिली है। उनके साथ ही साथ उनकी ही पार्टी के एक और नेता को इस मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पटना सिविल कोर्ट ने राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उन्हीं के पार्टी के विधायक भाई बीरेंद्र को बड़ी राहत दे दी है। बता दें आपको कि कोर्ट ने इन दोनों नेताओं को प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा करने के मामले में यही राहत दी है। बताया जा रहा है कि पटना सिविल कोर्ट में प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा करने के मामले और मार्ग अवरुद्ध कराने के मामले में सोमवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और विधायक भाई वीरेंद्र एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद इन दोनों को जमानत पर मुक्त कर दिया गया है। बता दें आपको कि दरअसल सांसद और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही दोनों की ओर से सत्र अदालत से मिली अग्रिम जमानत की सुविधा की आलोक में जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। आपको बता दें कि जिसके बाद विशेष न्यायालय ने दोनों को 10,000 के निजी मुचकले के साथ उसी राशि के दो जमानतदार का बंद पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि यह मामला वर्ष 2019 में कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि CAA और NRC बिल के विरोध में बंद के दौरान डाक बंगला चौराहा के प्रतिबंधित क्षेत्र में मार्ग अवरुद्ध किया था और लाउडस्पीकर का दुरुपयोग किया था। जी हां, बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और उन्हीं के पार्टी राजद को बड़ी राहत मिल गई है। तेजस्वी यादव को कई साल पुराने मामले में अब जमानत मिल गई है। बता दें आपको कि उसके साथ ही साथ उनके ही पार्टी के एक और नेता को इस मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार पटना सिविल कोर्ट ने राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र को बड़ी राहत दे दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।